अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन, जहां मैं आपको सिखाती हूं मज़े मज़े की रेसिपीज़। कैनेलोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ली है, 1 ब्रेस्ट पीस, छोटे छोटे डाइस मैंने कट कर लिए हैं इसके, ये अराउंड 1.5 कप है। पास्ता सॉस, बटर, क्रीम और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पास्ता आप देख सकते हैं, ये मैंने रेडी टू बेक पास्ता लिया है, इसको बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1/4 कप बटर लिया है, इसको मैं मेल्ट कर लूँगी सॉस पैन में। बटर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साथ ही इसमें अब ऐड कर रही हूँ चिकन चंक्स, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। चिकन सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स, अब ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें आप सिंपल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन सॉल्ट सिर्फ मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। चिकन ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी वाइट सॉस बनाने के लिए। 2.5 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है मैंने इसमें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैदा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब बारी आती है क्रीम की। इसमें मैं 1/2 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसको पकने तक, जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक इसको मैं पका लूँगी। अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें इटालियन हर्ब्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। जब तक इसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है हम अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर, इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, इसकी जगह आप चॉप्ड गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैं सौते कर लूँगी। अब ऐड करूँगी मैदा, इसको अच्छी तरह से मैं भून लूंगी बटर में। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूं सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूं अब मैं, रेड चिली पाउडर, और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ और 1/2 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें क्रीम की जगह
सिर्फ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, फिर आपको मिल्क की क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मुझे थिक चाहिए, तो तब तक मैं इसको पकाऊंगी। व्हाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब एंड में मैं इटालियन हर्ब्स ऐड कर रही हूँ, या आप इसकी जगह ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब बारी है हमारी थर्ड स्टेप की। सबसे पहले मैं बेकिंग डिश में रेड पास्ता सॉस मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, ये मैं स्प्रेड कर लूँगी इस डिश में, और फिर हम पास्ता की फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पाइपिंग बैग ले रही हूँ, आप इसकी जगह जिप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं सारी फिलिंग ऐड कर लूँगी। इस तरह से हमें पास्ता की फिलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। ये देखें कितनी आसानी से इसकी फिलिंग हो रही है। इसी तरह मैं सब फिलिंग करके डिश में लेयर लगा लूँगी पूरी। पास्ता की स्टफिंग हो चुकी है, अब ऊपर मैं व्हाइट सॉस की लेयर लगाऊंगी। यहाँ पे मैं चेडर चीज और मोज़रेला चीज दोनों मिक्स करके इसकी लेयर लगा रही हूँ, आप कोई एक भी यूज कर सकते हैं। बेकिंग के लिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, मैंने ओवन प्री हीट कर दिया था। अब मैं 32-35 मिनट्स के लिए इसको बेक करूंगी 180 डिग्री पे। और देखिए हमारा गर्मा गर्म डिलीशियस कैनेलोनी पास्ता बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट बना है ये। ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।